बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड यानी कि BSEB की तरफ से 10वीं 12वीं क्लास के रिजल्ट का ऐलान किए जाने वाला है। BSEB की तरफ से कभी भी रिजल्ट का ऐलान किया जा सकता है। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि 12वीं क्लास के परिणाम पहले घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद 10वीं के रिजल्ट बताए जाएंगे। वापस के इंटरव्यू और वेरिफिकेशन के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। क्या आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं? क्या आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया है और इसी साल आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक का परीक्षा दिया है? तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, आपको 13 मार्च के बाद कभी भी बिहार बोर्ड की तरफ से फ़ोन कॉल आ सकता है। अगर आप टॉपर होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। दरअसल बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम का रिजल्ट जारी होने वाला है। 18 मार्च को रिजल्ट जारी होगा। हर साल की तरह इस साल भी बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 सबसे पहले जारी हो सकता है। बोर्ड ने समय से काम पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 16 मार्च तक टॉपर्स का वेरिफिकेशन चलेगा। बिहार बोर्ड रिजल्ट की तैयारी युद्ध स्तर से करने में जुटा है। आपको बताएं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के टॉप 10 टॉपर्स का वेरिफिकेशन होगा। दरअसल बिहार बोर्ड की परीक्षा 2023 में कुल 13,18,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इंटर की परीक्षा 1 से 11 फरवरी तक आयोजित की गई थी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक टॉपर्स का वेरिफिकेशन बोर्ड कार्यालय में होगा। खबर है कि बोर्ड की ओर से सभी टॉपर्स को वेरिफिकेशन के लिए 13 मार्च को फोन आएगा। एक्सपर्ट कमेटी के सामने सभी का इंटरव्यू होगा। वेरिफिकेशन के दौरान ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और हैंडराइटिंग मिलान किया जाएगा। इंटर का रिजल्ट 18 मार्च को जारी होने की संभावना है। आप कैसे अपना रिजल्ट देख पाइएगा, पूरी अपडेट क्या है, आपको वेबसाइट पर किस वेबसाइट पर अपने रिजल्ट देखने होंगे इसके तो साथियों आपने पूरी जानकारी पढ़ लिया, आपने पूरा जानकारी देख लिया कि कब आपका रिजल्ट आ रहा है। 18 तारीख को बतलाया जा रहा है, मतलब 18 तारीख को ये फिक्स नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन एक दो दिन बाद भी आ सकता है, लेकिन 18 तारीख तक संभावना जताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए चेक कैसे करना है। देखिए, मैं आपको ना ही कोई वेबसाइट बतलाऊंगा, ना ही किसी प्रकार का कहूंगा गूगल पे जाइए, क्रोम पे जाइए, सर्च कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल से कहूंगा कि आपके हर किसी स्टूडेंट के फोन में टेलीग्राम रहता है, तो टेलीग्राम पे आना है आपको। देख लीजिए, यहाँ पर सर्च बार का आपको आइकन दिख रहा है, इस पर सर्च करना है। सिंपल सा क्या करना है, तो मिथुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर देना है, जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ। देख लीजिए, एक एक अक्षर को जैसे मैं लिख रहा हूँ MITHUN, देखिए ये सर्च कीजिएगा एकदम सही से तो पूरा आ जाएगा। देखिए मैंने क्या क्या सर्च किया, देख लीजिए अक्षर, देख लीजिए मिठुन MITHUN, स्टडी स्पेस देखिए STUDY, फिर स्पेस देकर के सेंटर CENTRE, इतना सर्च कर लीजिए और इसको सर्च करके फटाक से क्या कीजिए, सर्च बार पे डाल दीजिए। जैसे ही डालिएगा फर्स्ट में आपको ग्रुप दिख जाएगा और टोटल आपको पहचानना कैसे ग्रुप, तो देखिए इसमें 4000 प्लस स्टूडेंट होगा, यानी 4700 लगभग स्टूडेंट इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस पर क्या करना है आपको, फटाक से क्लिक कर देना। क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ से आपको दिख सकता है, यहाँ से आप लोग देखेंगे एक फोटो यहाँ पर डाला गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सभी चीज़ इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसे चेक करना है ये डाला गया है। अब देखिए लिंक यहाँ पर दो डाला गया है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है। देखिए दोनों पर क्लिक करना है आपको। देखिए पहला पर हम क्लिक करके जैसे कि इस पर दिखा रहे हैं, अगर इस पर ना तो नीचे पर करना है। पहले इस पर हम करके देखते हैं क्या हो रहा है या फिर नहीं। देखिए देख लीजिए, अगर खुल गया तो अच्छी बात है, नहीं खुला तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट है। चलिए ये वेबसाइट आपका ईलर बताया, यानी कि ये क्या हो गया है, तो ये लिंक जो है ना अनएक्टिव हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दूसरा लिंक को हम लोग करेंगे। चलिए दूसरा है, एक हमने इसको देख लिया, ये नहीं हुआ, अब दूसरा ये आपका है, ठीक है ना। देख लीजिए ये आपका, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, खुलता है या नहीं। देखिए खुल तो गया आपका, ठीक है ना, पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिए खुल गया। अब देखिए आपको अभी तो रिजल्ट आपका आ नहीं रहा है, ठीक है ना। अभी तो रिजल्ट यहाँ पर देखिए 22 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपको बता दें ये चेंज कब होगा, जब रिजल्ट आपका घोषित होगा ना। जैसे कि मान लीजिए आपका 18 तारीख को अगर रिजल्ट आ जाएगा तो उसी दिन जो है दोपहर सुबह में ही लिंक जो है यहाँ पर 23 कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये 23 कर दिया जाएगा यहाँ पर, कोई देखिए वीडियो को मैं नहीं रोक रहा हूँ कहीं भी, आप लोग मत बोलना कि आप फेक कर रहे हो, ठीक है ना। देखिए 2 मिनट अभी हो चुका है, वीडियो पूरा चल रहा है सेम टू सेम, और टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग ऊपर में आपको दिख रहा होगा, कोई यहाँ पर एडिटिंग नहीं है, ठीक है। देखिए फिर से मैं एक बार कट करके दिखा रहा हूँ। चलिए इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए ये खुलकर आ रहा है, देखिए ये खुल करके आपका आ गया। तो इस पर आपको देखिए क्या क्या डालना है, रोल कोड आपको पता है, रोल कोड डाल देना है, रोल नंबर आपका जो है वो डाल देना है, और टोटल यहाँ पर क्या करना है, ये 17 और यहाँ पर 15 सबको जोड़ करके इसमें एंटर कर देना है। और जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या करना होता है, व्यू पर भी मार सकते हैं या रिसेंट पर भी मार सकते हैं, किसी पर व्यू यानी देखना है आपको रिजल्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए आराम से चेक करिए, अगर मान लीजिए ये लिंक फिर काम नहीं करता, जैसे कि ये पहला लिंक नहीं काम कर रहा है पहला और दूसरा कर रहा है, तो ये भी हो सकता है काम नहीं करे, सर्वर डाउन हो जाए, तो यहाँ पर लिंक आपको बार बार एक्टिव करके दिया जाएगा, यानी यहाँ पर बार बार लिंक भेजा जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधे आप लोग ज्वाइन करके रहिए, यहाँ पर लिंक आएगा, आप आराम से सर्च करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हेल्पफुल वीडियो लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी रिजल्ट चेक करने में अच्छी सुविधा हो, ठीक है ना। और एक और जानकारी महत्वपूर्ण आपको बता दें, अगर आप लोग 2024 के लिए तैयारी कर रही
यानी आपका भाई बहन कोई भी मैथ 12th एंड 10th का तैयारी करना चाह रहा है तो इसी ग्रुप में जो है इसी ग्रुप में आपको लिंक और नोट्स भी दिया जाता है, ठीक है ना, दिया जाता है। तो आप लोग मेरा नंबर भी ले सकते हैं 696, अगर कोई परेशानी हो 696-98-095, इस पर आप लोग फटाक से मैसेज करेंगे, आपको हम पेड ग्रुप में भी ज्वाइन, फ्री में जो ग्रुप होता है उसमें ज्वाइन करके आपको नोट्स देंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।